अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू नाजियाज़ कुक हाउस। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बेसिक एंड स्पॉन्जी वनीला केक की रेसिपी, जिसे आप ट्राइफल पुडिंग्स या सिंपली टी के साथ रेलिश कर सकते हैं। तो जी आइए हम देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स को। सबसे पहले जो टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि आप जो भी इंग्रेडिएंट्स लें वो सारे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए केक बनाने से पहले। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ कप मैं ले रही हूँ ऑल पर्पज़ मैदा, और सेम अमाउंट में मैं ले रही हूँ यानी हाफ कप पिसी हुई चीनी कैस्टर शुगर, 4 eggs मैं यहाँ पे ले रही हूँ, और ले रही हूँ यहाँ पे बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर तकरीबन 1 teaspoon एंड 1/2 teaspoon ईच, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ रिफाइंड ऑयल 1/4 cup, और 1 teaspoon ले रही हूँ जी वनीला एसेंस। यहाँ पे जी मैं ले रही हूँ मिक्सिंग बाउल, एक सीव और स्पैचुला। अब ओवन को कर लेते हैं हम प्री हीट, टेम्परेचर कर लूँगी मैं 180 पे सेट फॉर 10 मिनट्स, डबल रॉड ऑन है। और अब यहाँ पे हम कर लेंगे जी एक बेकिंग डिश को ग्रीस। मैंने यहाँ बटर से ग्रीस किया है, बॉटम पे बेकिंग पेपर रख लिया। आप सिंपली फ्लोर से भी डस्ट कर सकते हैं इसको अगर आपके पास बेकिंग पेपर अवेलेबल ना हो। तो यहाँ मिक्सिंग बाउल में मैं ले रही हूँ 4 eggs, और इन्हें कर लेंगे अच्छे से हम विस्क फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप पिसी हुई चीनी कैस्टर शुगर, और जी इसे अच्छे से कर लेंगे हम ब्लेंड। तकरीबन 10 मिनट्स के लिए मैंने इसको ब्लेंड किया था, और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी वनीला एसेंस, और फर्दर 5 मिनट्स के लिए मैं इसे और ब्लेंड करूंगी ताकि जो मिक्सचर है थोड़ा क्रीमी और फ्लफ़ी सा हो जाए। इससे केक आपका जो है काफ़ी स्पॉन्जी बनेगा जितना अच्छा ये आप क्रीमी इसको विप करेंगे। तो जी यहाँ ये ऑलमोस्ट विप हो गया था, तो मैंने ऑयल ऐड करने के बाद इसको 30 सेकेंड के लिए और विप किया। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जो मैदा, और इसी में ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, और बस इसे आप एक साथ ऐड ना करें, इसे बैचेस में ऐड करके अच्छे से चलाते जाएं ताकि कोई लंप्स ना मौजूद रहें आपके इसमें केक मिक्स में। अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज चला रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलाएं, अगर क्लॉकवाइज चला रहे हैं तो क्लॉकवाइज चलाएं। आपको ये याद रखना है, आपको डायरेक्शन सेम रखनी है, और इसे अच्छे से कर लीजिए आप मिक्स। बस ये बी श्योर कि इसमें कोई लंप्स ना हो। तो ये केक मिक्स तैयार हुआ है, इसे हम करेंगे बेकिंग डिश में ट्रांसफ़र, और सिंपली इसे टैप कर दें 2-3 बार, और ट्रांसफ़र कर दीजिए प्री हीटेड अवन में। मैं यहाँ पे टेम्परेचर इसका सेट कर रही हूँ 180 डिग्री पे जो पहले था, वो टाइम एटलीस्ट 20 मिनट्स, डबल रॉड ऑन। तो जी लगभग 20 मिनट्स के बाद ये पोजीशन है केक की, हम टूथपिक टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक टूथपिक इसमें जो है केक में आप बर्स करिए, अगर क्लीन बाहर आती है तो केक की इज़ ऑलमोस्ट डन, लेकिन यहाँ पे टूथपिक जो क्लीन बाहर नहीं आई, मैं और 10 मिनट्स के लिए इसको बेक करूँगी। तो फाइनली केक हमारा तैयार है। आप इसे ऐसे ही ठंडा होने दें रैक पे, फिर ट्रांसफ़र कर लें डिश में। तो ये हमारा स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट वनीला केक तैयार है। आप इसको ऐसे ही टी से रेलिश करें या पुडिंग में यूज़ करें, इट्स अप टू यू। मैंने यहाँ इसको 2 halves में डिवाइड करके ब्लूबेरी सॉस फिल करके व्हिप्ड क्रीम फ्रॉस्टिंग से कर लिया था डेकोरेट। आप इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे एक फीडबैक ज़रूर दीजिए कि ये आपका केक कैसा बना। सो गाइज स्टे ट्यून्ड, keep watching, do like and subscribe. Allah Hafiz.